बनाने जा रही हूँ बहुत कम चीजों से बहुत कम समय में बनने वाली एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी जो घर में बच्चे हों या बड़े सभी को पसंद आएगी। और इस स्पेशल रेसिपी का नाम है क्रिस्पी करारी पोहा नमकीन डोनट। इतनी टेस्टी है कि आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। खास बात रेसिपी की ये है कि ये सिर्फ दो ही चीजों से बनने वाली है जो आपके किचन में हमेशा रहती है। जब अचानक कोई आ जाए या आपको सुबह की भागम भाग में समझ ना आए बच्चों के स्नैक्स में क्या रखे, तो झटपट आप इसे बना सकते हैं और बना करके आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 2 हफ्तों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बनाने में बेहद आसान, खाने में बहुत बहुत टेस्टी, एकदम अलग हटके। और ये पोहा नमकीन डोनट जब आप बनाएंगे और उसकी शेप देखेंगे तो बच्चों को तो प्यार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी पोहा नमकीन डोनट बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप पोहा। पोहा जिसे हम चूड़ा भी बोलते हैं, चिरवा भी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं, जिससे हम नमकीन पोहा तैयार करते हैं और इंग्लिश में इसे फ्लैटन राइस बोलते हैं। तो ये हम लेंगे 2 कप। पोहे को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करके इस तरह से पानी में हम भिगोएंगे। यहाँ पर मैंने एक चलनी पर रखे हैं सारे पोहे और नीचे बोल में लिया है पानी। इससे बड़ा आसान हो जाता है पोहे को सोक करना। पोहे को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पानी में अच्छे से भिगो दिया और अब आप देख सकते हैं कि पोहे एकदम खिले हुए बढ़िया से फूल गए हैं। सिर्फ 3-4 मिनट ही लगता है और जिस तरीके से हमने इसे चलनी पर रखा तो इसे इस तरह निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो बस अब हमारे पोहे बढ़िया से फूल करके तैयार हो गए हैं। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में सारे हम अपने सोक्ड पोहे को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार इसलिए ले रही हूँ, इससे बढ़िया से पोहा एकदम डो यानी अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो जाएगा। वैसे तो बहुत हल्का होता है पोहा और भीगा हुआ भी है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार बढ़िया से चला लेती हूँ। ये देखिए तो हमारा जो पोहा है मैंने अच्छे से चला लिया है और बिल्कुल डो की तरह ये तैयार हो गया है। इसी में चलाने से फायदा ये हो जाता है कि बढ़िया से एकदम बढ़िया डो तैयार होता है स्मूथ, तो हम अच्छी सी शेप दे सकते हैं। तो अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए मैंने इस तरह से पोहे को पूरे बोल में निकाल लिया और अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार। अब ये मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स 1 छोटी चम्मच। इसे बढ़िया सा स्वाद आ जाएगा चटपटा और बहुत ही फ्लेवरफुल ये फिर तैयार होंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये मैंने ली है इसको सुपर टेस्टी फ्लेवर देने के लिए कि बच्चे से खाते रह जाए 2 बड़े चम्मच पिज्जा सॉस। ये मेरी होममेड पिज्जा सॉस है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक 1 मिनट वाली पिज्जा सॉस जो आप इंस्टेंटली बना सकते हैं, एक प्रॉपर पिज्जा सॉस, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे बगैर पिज्जा सॉस के भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पिज्जा सीजनिंग हो ना जो इस तरीके की मिलती है मार्केट में तो आप वो डाल लीजिए, या फिर जो पिज्जा के साथ छोटे छोटे पाउचेस नहीं आते इटालियन सीजनिंग के, अगर आपके पास वो वाले पाउच पड़े हो ना जो हम पिज्जा के साथ लेकर रख लेते हैं, तो आप वो यूज कर लीजिए। ये फ्लेवर बच्चों को बेहद पसंद आता है और बच्चे झटपट खा लेते हैं। और जैसे यहाँ मैं पिज्जा सॉस का यूज कर रही हूँ, आप अपने मन की कोई भी सॉस यूज कर सकते हैं, जैसे शेजवान सॉस या टोमेटो केचप, वो भी डाली जा सकती है। और इसके बगैर भी आप सिंपल प्याज अदरक हरी मिर्च डालकर भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको क्रिस्पी और बढ़िया बाइंडिंग देने के लिए डाल रही हूँ 1/2 कप चावल का आटा। इससे इसको बाइंडिंग मिलेगी और ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। अब यहाँ हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अगर आप इस रेसिपी में देखें तो मेन हमें 2 ही चीजें चाहिए, पोहा और चावल का आटा। बाकी जो मसाले आपके घर में होते हैं, नमक मिर्च वगैरह, वो आप डालकर भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। सभी चीजों को मिक्स करेंगे और इस तरह से इसका प्रॉपर डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी मिक्स ऐसा लगे कि गीला सा है तो आप थोड़े से चावल के आटे की मात्रा और बढ़ा लें। अब यहाँ पर हम एक नींबू के साइज की बॉल तोड़ेंगे। इसको इतनी बढ़िया शेप देंगे कि बच्चे देखते ही खा ले और जो देखने में भी अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह हाथ में रख के गोल घुमाएं, ग्रास से थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड या प्लेटफॉर्म पर इस तरह घुमा दें जिससे कि ये बढ़िया से सेट, जिससे कि बढ़िया से चारों तरफ से ये एकदम गोल हो जाए बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि हम डोनट की शेप दे रहे हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बस थोड़ा हाथ से इस तरह ठीक करते हुए। अब आप ले कोई भी एक छोटा सा ढक्कन या कोई भी जो भी छोटा सा हो जिससे आप इसमें छेद कर पाए, डोनट में होता है ना बीच में छेद, बिल्कुल इस तरह से। तो इसको हम प्रेस कर देंगे। यहाँ मैंने एक छोटा सा ढक्कन ले लिया है बिल्कुल ऐसे, ये लीजिए और हो गई हमारी डोनट नमकीन वाली तैयार। इसको मिक्स, जो बचा हुआ टुकड़ा है उसको उसी मिक्स में मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है,
करने में भी आसान। तो सारे ही पीसेस को हम बिल्कुल इसी तरह तैयार करेंगे। सारी पोहा नमकीन डोनट्स मैंने इस तरह से तैयार कर ली हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। जैसे मैंने यहाँ डोनट तैयार की है, तो आप किसी भी शेप में इसको तैयार कर सकते हैं, जैसे इस तरह छोटी सी बॉल बना करके या नगेट्स जैसी शेप दे करके। तो इसे आप किसी भी तरह तैयार कर सकते हैं। यही इस रेसिपी की ब्यूटी है। अब यहाँ पर आप चाहे इसको डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें, आप बेक भी कर सकते हैं या आप तवे पर यूं ही सेक भी सकते हैं पतला सा बना करके। तो जिस तरह भी चाहे आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। अब मैं लेकिन करने वाली हूँ यहाँ पर एक और स्टेप, जो बना देगा हमारे इन प्यारी सी डोनट्स को और भी ज्यादा क्रिस्पी क्रंची, और जो आप मैकडोनल्ड या केएफसी में स्नैक्स देखते हैं ना, एक अलग सा क्रिस्प होता है इसके ऊपर, बिल्कुल वैसा वाला क्रिस्पी। आप अगर ये स्टेप नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंपल यहीं पर फ्राई, शैलो फ्राई, बेक कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ली है 1/4 कप मैदा। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब जैसे यहाँ मैंने मैदा लिया है ना, आप यहाँ पर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज ले सकते हैं। अब हम इसकी तैयार करेंगे एक स्लरी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस प्रकार से पतली स्लरी तैयार करेंगे। जैसे ये देखिए, तो लगभग इतनी स्लरी तैयार करने में मेरा 1 कप पानी लग गया है। और ये मैंने लिए हैं 3-4 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स, यानी ब्रेड का चूरा। सिंपल ब्रेड लीजिए, मिक्सी में चला दीजिए, बगैर किसी चीज को डाले सिंपल सूखी, और चला करके इस तरह आपका ब्रेड का पाउडर यानी ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगी। ये आपके स्नैक्स को बहुत ही क्रिस्पी बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, साथ ही ऑयल नहीं अब्सॉर्ब होता। तो इस तरह से हम एक डोनट लेंगे और डोनट को हम स्लरी में डिप करेंगे, और डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह निकाल करके सारे ही पीसेस को तैयार करेंगे, बिल्कुल इस तरह। इसी तरह हम दूसरी डोनट को भी तैयार करेंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो ये लीजिए, मैंने सभी डोनट्स को इस तरह से कोट करके तैयार कर लिया है, और ये देखने में भी कितनी सुंदर लग रही हैं। जब आप ये फ्राई करेंगे ना, तो फिर जो इस तक क्रिस्प आएगा तो सब खाते रह जाएंगे। अब आप यहाँ पर इसको अगर अभी फ्राई करना चाहते हैं तो आप अभी इसको फ्राई, डीप फ्राई कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इसे अभी नहीं फ्राई करना चाहते, आप इसको 2 हफ्तों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। एक 8x4 में इस तरह से स्टोर करके आप फ्रीजर में 2 हफ्तों के लिए रखते हैं। बस जब मन चाहे निकालिए और फ्राई कीजिए। तो इससे बहुत ही आसान हो जाएगा सुबह की भाग दौड़ में, आप बच्चों को तुरंत बना करके भी दे सकते हैं इस तरह, अगर आपके पास तैयार है तो। इस तरह से कोट करके अगर आपके पास समय है तो आप 10-15 मिनट के लिए फिर इसमें रख दीजिए। तो जो भी हमने क्रम्स वगैरह इस पर लगाए हैं ना, वो बढ़िया से सेट हो जाएंगे। फिर आप जब इसे फ्राई करेंगे तो एक्स्ट्रा क्रिस्पी आएगा और आपकी रेसिपी ऑयल भी अब्सॉर्ब नहीं करेगी। तो मेरे पास थोड़ा समय है तो मैं इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, सेट हो जाएगी। तो लीजिए, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और ये बिल्कुल बढ़िया सेट हो गई है। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। ऑयल में से अच्छी हीट आ रही है, तो बस फ्लेम को अब आप यहाँ पर थोड़ा मीडियम रखें। धीरे धीरे करके सारी ही डोनट्स को हम इस तरह फ्राई करेंगे, बिल्कुल गोल्डन हमें फ्राई करनी है। जितनी स्पेस है कढ़ाई में, सिर्फ उतने ही पीसेस डालेंगे। अभी हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जब ये हल्की नीचे से गोल्डन हो जाएंगी तो हल्की हल्की ये ऊपर आ जाएगी। उसके बाद ही हम इसको फ्लिप करेंगे यानी पलटेंगे, और ये देखिए ये हल्की हल्की ऊपर आ गई है। अब हम एक चम्मच की मदद से धीरे धीरे इनको परत देंगे। देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है, आप देख सकते हैं। तो नीचे से भी हम इसी तरह से क्रिस्पी करारी गोल्डन इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। आप जब इसे एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का इसको मन करेगा। इस तरह से जब ये बिल्कुल बढ़िया गोल्डन कलर आ जाए, जैसे आप अभी देख रहे हैं, अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे, और देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। एकदम आपको जो ऊपर का टेक्सचर है आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी आया है, जैसे कि बाजार के स्नैक्स में होता है। ये देखिए दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है, किसी को भी मन कर जाएगा देखते ही। तो इसी तरह हम सभी डोनट्स को फ्राई करेंगे और इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे। सेकेंड बैच की भी हम बिल्कुल इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही सुपर टेस्टी और देखने में इतनी प्यारी और सुंदर पोहा नमकीन डोनट्स बिल्कुल तैयार है। और अब आप इसका क्रिस्प देखिए, देखने से ही लग रही है ना एकदम क्रंची और क्रिस्पी, खाने में भी बहुत टेस्टी है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। और
और जो हमने इसमें पिज्जा फ्लेवर डाला है ना, पिज्जा सॉस, उसकी वजह से जो इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर और एक्स्ट्रा टेस्ट आया है, जो बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो आप इसको जरूर जरूर ट्राई करें। जैसा आपने देखा कि इजी रेसिपी है, खाने में भी बहुत बढ़िया है और बनाकर भी आप रख सकते हैं। हर तरफ से एकदम गोल्डन सिकी हुई और ये देखिए ऑयल ने अब्सॉर्ब किया है। और मैं भी इंजॉय करने वाली हूँ गर्मा गर्म चाय के साथ इस क्रिस्पी करारी पोहा नमकीन डोनट को। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।